नमस्कार, मैं सुनील गौतम, गौतम कलेक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज फिर हम आप पहुँचे हैं एक ऐतिहासिक दौर पर, और ये ऐतिहासिक दौर है करनाल में, और इसका नाम है ब्रिटिश छावनी चर्च टावर, जो कि करनाल में है, और अग्रसेन चौक जो कि NDRI के पास है, अग्रसेन चौक के पास ही है आपका छावनी चर्च टावर, जो कि 1805 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। चलिए दोस्तों, इसका इतिहास जानते हैं। साथियों, चलिए थोड़ा इसकी जो ये चर्च है, कंटोनमेंट चर्च है, इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी जानकारी बताई गई है, कंटोनमेंट चर्च या छावनी चर्च। ठीक है दोस्तों, यह मीनार कभी सेंट जेम्स चर्च का हिस्सा हुआ करती थी, जिसका निर्माण करनाल में छावनी की स्थापना के तुरंत बाद सन 1806 ईस्वी में किया गया था। सन 1841 में जब छावनी को अम्बाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया तो चर्च को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन सार्वजनिक सदस्यता से बनी चर्च की यह मीनार जो कि त्यों खड़ी रही। 4 मंजिला दोस्तों टावर है, और इसकी पहली मंजिल एटस्केन जो पाइलेस्टर के उपयोग को दर्शाता है, और शीर्ष मंजिल जो सबसे ऊपर वाली मंजिल है वो अर्धवृत्ताकार रोमन मेहराब से सुसज्जित है। यह मीनार की पूरी सतह को चूने से प्लास्टर किया गया है और अच्छा पेनलिंग का काम दिखाता है। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अधिसूचना संख्या, ठीक है दोस्तों, ये बताई गई है, और दिनांक आपका ये बताया गया है, द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित घोषित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो टावर है ये 4 मंजिला है, जो ऊपर वाली जो इसकी मंजिल है वो चूने से प्लास्टर की गई है। मैं बताऊँ आपको, आपकी चर्च का हिस्सा हुआ करता था। तो साथियों, यहाँ पर कभी ब्रिटिश सरकार की छावनी हुआ करती थी। जब यहाँ पर 1843 के आसपास महामारी फैल गई, ठीक है, महामारी थी हैजा, और यहाँ पे काफी ब्रिटिश सैनिकों की, और जो कर्नल वगैरह थे या जो उनके उच्च अधिकारी थे उनकी काफी डेथ हुई, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी वो डर गई, और उन्होंने 1843 में यहाँ पे छावनी तोड़कर वो अम्बाला स्थानांतरित कर दी। ठीक है दोस्तों, और चर्च को भी ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन इस चर्च टावर को उन्होंने ध्वस्त नहीं किया और इसको जो कहते हो खड़ा रहने दिया। तो फ्रेंड्स, ये है इसका इतिहास। इसको ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ऐतिहासिक स्मारक के तौर पर इसको रखा गया है, और यह एक प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आज भी इसकी मजबूती जो कि तो बनी हुई है। अगर आप देखेंगे जो इसकी दीवारें हैं, ठीक है, वो 3 से 4 फुट और कहीं उससे भी ज्यादा उनकी चौड़ाई है। आप देख सकते हैं कि मजबूती, आप मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इनकी जो दीवारों की चौड़ाई, देखिए आप, तो देखिए आप कम से कम 4 से 5 फुट के आसपास इनकी चौड़ाई है, और ये 4 मंजिला इमारत दोस्तों, और यह ब्रिटिश वास्तुकला का एक बहुत बड़ा नमूना है, एक एग्जांपल है। साथ में ही जो उस समय महामारी में ब्रिटिश सरकार के जो सैनिक थे या जो उनके उच्च अधिकारी थे जिनकी मृत्यु यहाँ पे हुई, उनको दोस्तों यहीं पर एक कब्रिस्तान बना के उनको यहीं पर उनकी कब्रें हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई कब्रें आप देख सकते हैं, और कई खस्ता हाल में है, और इनकी मरम्मत का कार्य दोस्तों चला हुआ है, जहाँ कोई टूट फूट हुई है उसका मरम्मत का कार्य यहाँ पे चला हुआ है। आप देख सकते हैं काफी बड़ा इलाका है दोस्तों, ये पूरा का पूरा, ये कभी हम ब्रिटिश काल में छावनी हुआ करती थी सैनिकों की, सैनिक यहीं पे रहते थे, और जो पीछे कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो एरिया भी कभी छावनी में आता था। तो दोस्तों ये है वो कब्रें
ब्रिटिश काल में जो सैनिकों की मृत्यु हुई थी महामारी से, और जो उनके उच्च अधिकारी थे सब यहाँ पे बनाई हुई है। और मैं बताऊँ दोस्तों, लगभग क्योंकि वो इंग्लैंड से ही थे सैनिक वगैरह, तो उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो वंशज हैं, वो आज भी समय समय पर भारत आते हैं, करनाल आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो पुरुष थे उनकी कब्रें यहाँ पे हैं, तो अक्सर इंग्लैंड वगैरह से या दूसरे देशों से उनके पुरुष उनके वंशज यहाँ पर आते रहते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये चर्च टावर है दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसके साथ ही एक पर्यटन स्थल भी है, करनाल का एक मुख्य पर्यटन स्थल है, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते रहते हैं। अगर आप भी यहाँ पर कभी आना चाहते हैं तो आप बाई बस या ट्रेन, ट्रेन की सुविधा है, करनाल जंक्शन पर ट्रेन रुकती है, आप बस से भी आ सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में भी आ सकते हैं। बात करें बस स्टैंड की, तो करनाल बस स्टैंड से ये मुश्किल से 1 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा आपको, आप ई रिक्शा करके भी यहाँ पे आ सकते हैं, जिसका किराया हार्डली 10 या 15 रुपये लगेगा। तो पर्यटन के तौर पर भी दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धरोहर आपकी, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं। इसी प्रकार अगर आप कभी करनाल आना चाहें, इसके अलावा यहाँ पे कोस मीनार है, आप वहाँ पे भी घूम सकते हैं, करनले का करनाल में वो भी घूमने की जगह है, ठीक है जी, एनडीआरआई साथ में रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पे भी घूम सकते हैं। तो करनाल पर्यटन के तौर पर भी काफ़ी मतलब कि बड़े लेवल पे उभरता जा रहा है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, इसका जो समय है दोस्तों लगभग 12 महीने ही खुला रहता है, ठीक है, और आप शाम को 5 बजे के आसपास तक इसमें आ सकते हैं। और दोस्तों कुल मिलाकर पर्यटन के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत को जरूरत है अपने जो भी ऐतिहासिक दौर है उनको संरक्षित करने की, ताकि बड़ी संख्या में पर्यटन यहाँ पे उभर सके, लोग यहाँ पे आए और हमारे यहाँ पर लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। तो दोस्तों ये था आपका चर्च टावर, और देखते हैं चर्च टावर को। ये जो मेन दरवाजा है ये बंद है, आगे आप देख सकते हैं क्रॉस का निशान है, और ASI द्वारा इसको बंद किया हुआ है, ठीक है, इसमें सिर्फ जो ASI के मेंबर्स हैं वो इसके अंदर जा सकते हैं, और अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जिससे आप ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन वो अभी फिलहाल बंद है। आप देख सकते हैं साथ में आपका एक बागान है, और यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, और इसके आपके राइट हैंड, ठीक है दोस्तों, टावर के वहाँ भी कब्रिस्तान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मरम्मत का कार्य है, चला हुआ है, लाइटिंग का प्रबंध भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। प्रवीण जी एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पे आप कब्रें देख सकते हैं। तो काफी बड़ी संख्या में उस समय जब ये हैजे की महामारी फैली, बड़ी संख्या में सैनिक यहाँ पर मरे होंगे उस समय, क्योंकि यहाँ पे भी कब्रिस्तान है और लेफ्ट हैंड साइड में भी कब्रिस्तान है। तो अगर आप व्यू देखें तो काफी खूबसूरत व्यू है, इसकी मजबूती आज भी जो की त्यों बनी हुई है, और कई कई फुट चौड़ी इसकी दीवारें हैं, या पिलर कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं, और आज दोस्तों इसकी खूबसूरती ऐसे की ऐसे ही है। तो ये था हमारा ब्लॉग, तो दोस्तों ये था हमारा ब्लॉग है छावनी चर्च टावर के ऊपर, तो आप जरूर आइए अपने परिवार के साथ आइए, और ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और मेरे साथ है प्रवीण जी जो इस ब्लॉग को शूट कर रहे हैं, तो प्रवीण जी आइए। तो प्रवीण जी मेरे साथ व्लॉग को बनाते हुए, प्रवीण जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आज का, आज हमने 2 व्लॉग शूट कर लिए, एक कोस्ट मीनार और दूसरा ये चर्च टावर का। फ्रेंड्स हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि देखो जो भी हमारी ऐतिहासिक जगह है, सांस्कृतिक जगह है, हम उनको एक्सप्लोर करें, और भारत एक पर्यटन के तौर पर उभरे, ठीक है, जिस प्रकार कई देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन के तौर पर पर्यटन के साथ ही चलती है, तो हम पर्यटन में काफी पीछे हैं अभी भी, तो ऐसे ही धरोहर है जो भारत की, हम उनको आगे लाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए और हमारे भारत में पर्यटन बढ़े और रोजगार बढ़े। तो दोस्तों मैं प्रवीण जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस व्लॉग को शूट किया, तो आज के लिए इतना ही, और आपको व्लॉग कैसा लगा या कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।